मुझे श्रीवास्तव शुरुआत करते हैं खबरों की। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल जनों ने बहू का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया। वही घटना की सूचना जब महिला के पक्ष के लोगों को हुई तो आनंद फानंद में अपने साथ हाथरस पुलिस को लेकर अलीगढ़ के थाना अकराबाद पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में परिजनों ने अपनी बेटी को उसके ससुराल के दरिंदों से बचाकर अपने साथ हाथरस स्थित गाँव में लेकर। देखिए, अकराबाद क्षेत्र में चौकी क्षेत्र पिलखना का एक मैटर संज्ञान में आया है, जिसमें गांव की एक महिला है, उसका आरोप है कि उसके पति और अन्य परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट की है। इस प्रकरण में क्योंकि वो महिला हाथरस जिले की रहने वाली है, तो वहां पर जाकर ही उसने मुकदमा पंजीकृत कराया है। लोकल थाना अकराबाद पुलिस द्वारा उसके पति को गिरफ्तार करके हाथरस पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई हाथरस पुलिस द्वारा की जा रही है। स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ गया है। बता दें, आज थाना सनसनी गेट इलाके में इस व्यक्ति द्वारा सीताराम का जाप किया जा रहा था, तभी कुछ अराजक तत्वों ने आकर उसके साथ मारपीट कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़ित के साथ थाना सनसनी गेट पहुंचे। मामले के आरोपी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है। वही घटना की जानकारी मिलते ही SSP कलानिधि नैतानी ने बताया कि दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर प्रहार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। थाना सासनी गेट अंतर्गत दो पड़ोसी के बीच झगड़े की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रातःकाल में ही जो चोटिल पक्ष बताया गया था, जिसको आंशिक चोटी थी, उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर विधि सम्मत रूप से FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। वहीं जो आक्रामक पक्ष था, उस व्यक्ति को वहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति। आज अलीगढ़ के बाबरी मंडी स्थित सराय काले खां के अंदर दलित समुदाय परिवार के लोग रहते हैं, दलित परिवार के लोग रहते हैं। उनके बुजुर्ग व्यक्ति थे, 55-60 साल की उम्र होगी, दिनेश कुमार नाम था उनका। वो अपने परिवार अपने घर के बाहर खड़े होकर, गेट के दरवाजे पर खड़े होकर, जो प्रतिदिन करते रहते हैं, तो प्रतिदिन मंजन करते जा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, अपना धार्मिक जयराम सीताराम सीताराम करके ऐसे कर रहे थे। वहीं 4-5 मुस्लिम समुदाय के लोग लड़के निकले, तो उनमें से एक ने उनके ऊपर थूक दिया। थूकने का विरोध करने पर जब उन्होंने कहा कि भाई थूक क्यों रहे हो, तो उन्होंने उनके साथ फिर मारपीट कर दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद में उनको डॉक्टरी परीक्षण के लिए ले जाया गया था। वहाँ से वापस थाने में सासनी गेट थाना लगता है यहाँ लेकर आए हैं और तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी। वही बरेली पुलिस ने फर्जी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और आर्मी कलर की जैकेट भी बरामद की है। वही पकड़े गए दोनों ही साथ के एक लंबे समय से शहर के अलग अलग जगहों पर लोगों को डरा धमका कर वसूली करते थे। वही पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। वही पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि वो शहर में कई लोगों से वसूली की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं भूमाफियाओं पर प्रशासन की नजर पड़ते ही बिजनौर में इन दिनों आए दिन अवैध जमीन पर कब्जा मुक्त कराने के लिए योगी बाबा का बुलडोजर लगातार चलने लगा है। भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब को पाट कर मकान बनाकर अवैध निर्माण कर दिया था। वहीं प्रशासन को मिली शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जमीन को कब्जे के मुफ्त कराया है। मामला ये है कि हमारे पास एक शिकायत आई थी कि गाटा संख्या 93, 90 और 103 पे अवैध कब्जा किया गया है, जो कि हमारी सरकारी खसरे में जो चिन्हित है वो जगह एज अ तालाब चिन्हित है। तो हमारे पास ये आदेश आया था कि हम उसे खाली करवाएं, जो भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जाए, और वही कार्रवाई हमने की है आज। ये अवैध निर्माण एक सरदार रविंद्र सिंह है जी, उनके भी वो भी इसमें है तालाब में, तो उस पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? उन पे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो मामला अभी कोर्ट में चला गया है। सर एक बात बताया, उसमें दो ऑलरेडी पहले भी बेनामे हैं भूमाफियाओं के, तीसरा अभी कराया एक महीने में ही, उन्होंने उसमें पहुंचा दिया? नहीं, उन्होंने कोर्ट में, उन्होंने भी अपने बचाव के लिए कोर्ट में लेके गए हैं, लेकिन सुनाया जाता है कि आपसे कोई माफी मांगी इस बात की 21 तारीख तक टाइम हमें दिया जाए, शादी है, क्या ऐसा है? शादी का ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे तो सरकार और हमारे प्रशासन की तरफ से यही रहता है कि हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें।
वही हेमकुंड साहिब यात्रा पर मार्ग पर भयुंडार के काकाबुंडी के पहाड़ियों में हेमकंड पिघलना शुरू हो गया। हेमकंड के पिघलने से बर्फ की नदी बह रही है। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर यात्री तैयारियों में लगे हुए हैं। वही गुरुद्वारा श्री हेमकंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने इसका वीडियो बनाकर कहा कि ये तो इस क्षेत्र में आम बात होती है। तो आप देख सकते हैं कि हेमकुंड की ये तस्वीर है जहां पर पहाड़ियों में हेमखंड पिघलना शुरू कर दिया गया है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि ये तो आम बात है। वहीं एटा के सटीक ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर संथाल में मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे एक शिक्षक ने प्रधानात्मक लाइसेंस पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिससे स्कूल में दहशत का माहौल हो गया। वही घटना के बाद आरोपी शिक्षक पिस्टल लहराते हुए और गाली गलौज करते हुए चला गया। वही सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पर स्कूल के अंदर अध्यापक जो है वो फायरिंग कर रहा है। किसी बात का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, और आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो भैया मुझसे अंदर बिल्कुल भाई हमीरपुर में अपराधियों के घरों में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में गैंगस्टर रोहित यादव के घर पर बाबा का बुलडोजर चला। बता दें ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करके बनाया आलिशान मकान, करोड़ों रुपए के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वही शातिर अपराधी रोहित यादव के ऊपर बता दें अब तक 2 दर्जन से भी ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। तो बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। ऐसे में तस्वीर देख सकते हैं जहां पर अपराधी के घर जो है बाबा का बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण था उस पर, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कराया गया। वही जौनपुर में महिला चोर को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें ग्रामीणों ने महिला चोर को पेड़ से बांधा, फिर पेड़ में बांधी गई महिला चोर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने महिला चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही लालकुआ क्षेत्र में बिजली कटौती के बाद अब पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कई इलाकों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। वही विद्युत कटौती के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वही लालकुआ क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि विद्युत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, वरना हम आंदोलन करेंगे। वहीं मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र में दबंगों को दलित परिवार द्वारा लग्न कार्यक्रम में न्योता ना देना महंगा पड़ गया। बता दें गुस्साए दबंगों के लोगों ने शादी के दिन ही घर में घुसकर दलित परिवार के साथ मारपीट की। दबंग लोगों ने लाठी डंडे के साथ पत्थरबाजी के अलावा फायरिंग का भी दहशत फैला दिया। वही घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीरता से मामले को लेते हुए 12 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। देव दिवाकर है जिनके यहाँ उनके भतीजे का कार्यक्रम था तिलक का, और यहाँ पे एक पक्ष था उसको इन्होंने बुलाया नहीं था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई। इस संबंध में बादी बाजदेव द्वारा थाना रोड पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी
मुरावली द्वारा की जा रही है। पीछे की साइड में रह रहे हैं वो, हाँ। उनका तो हम वहीं दावत आवत खिलवा रहे थे, वहाँ से लोग पत्थर मारते चले आए इधर घूम। आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ है? बात इस बात को लेकर विवाद हुआ है कि एक प्रधान है उसको उसमें शामिल नहीं किया है जिस कार्यक्रम में, तो वो उसने दारू पी के वहाँ पे झगड़ा किया है, डीजे फीजे तोड़ दिया उसने। क्या नाम है उनका? उनका नाम है दिनेश दिवाकर। उन्होंने जीते डीजे ये तोड़वा दिया, पंडित को लेके आए उधर से, उसे सारे लोग कोई लाठी डंडे तमंचे लेते हुए फायर करते हुए पत्थर फेंकते हुए उधर से आए, उधर गेट बंद कर लिया है। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाउडस्पीकर बंद कर दिया गया। बता दें वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले पर मंदिर के प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो मथुरा में लाउडस्पीकर अब बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं पीलीभीत में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लगी। बता दें वहीं भीषण आग से घरेलू सामान सहित हजारों की नकदी स्वाहा हो गई, साथ ही पशुओं के भी जान माल की खतरा है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं नगर निगम के जनता दरबार कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। नगर निगम महापौर के प्रयासों से छोटी सरकार अब आपके द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया, जो कि विभिन्न विभागों की समस्याओं से जूझ रहे क्षेत्रों की जनता के लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ। वहीं मौके पर ही 105 लोगों की जनसमस्याएं सामने आई, जिनमें अधिकांश का निस्तारण भी विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। तो ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। वहीं उत्तरकाशी के अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा बाहर की गई दवाई जो है वो लिखी जा रही है, जिससे मरीजों के जेबों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। जबकि जिला अस्पताल के स्टोर रूम पे दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सकों की ओर से मरीजों के लिए बाहर से महंगी दवाई लिखी जा रही है। बता दें अस्पताल के सस्ते इलाज के फेर में फंसकर मरीज महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर है। ये सब देखने के बाद भी अस्पताल और जिला प्रशासन मौन साधे हुए हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर में खटीमा के छकनाई पड़कड़िया में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं द्वारा राधे राधे संकीर्तन समिति के नेतृत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु अखंड महानाम संकीर्तन के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया। वहीं पकड़िया बंगाली कॉलोनी स्थित राधे राधे मंदिर से लेकर झनकियां दिखाई दी। सोचे राजा राजा महाराजा लोग करते आए, उसी धारे पे हम लोग करते, पूरा समाज करते राधा 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 और ये अखंड नाम है, तो हिंदू समाज में करते बुजुर्ग लोग करते करते आए, तो हम लोग उसी हिसाब से पूरा समाज लेके करता हूँ। यात्रा निकालते हैं और पूजा करते हैं और सुख शांति के लिए ही करते हैं हम, और भंडारा भी होगा, दो दिन तीन दिन लगातार भंडारा होगा, महाकीर्तन संकीर्तन होगा, महासंकीर्तन होगा। वहीं ऊधम सिंह नगर में खोखा फड़ के पुनर्वास के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन में कहा गया कि हम समस्त ठेला खोखा फड़ व्यवस्था अत्यंत निर्धन लोग हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करके विगत कई वर्षों से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं मोदी नगर में जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हम समस्त गरीब ठेला वहां पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण अभियान सितारगंज में चलाया गया है, समस्त जो लघु व्यवसायी हैं खोखा फड़ वाले आज
एक ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय सितारगंज में हम लोग आए हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय आज छुट्टी में, इसलिए हमने उनके प्रतिनिधि जी को यहाँ पे ज्ञापन दे दिया है। मांगे हमारी हैं कि पूर्व में 2 वर्ष कोरोना काल में जो छोटे व्यवसायी थे उनको दिक्कतें हुई अपने रोजगार के, उसके बाद फिर अब ये प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया गया था। पूर्व में जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे और जनप्रतिनिधि, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती है तब तक के लिए इनको अस्थायी तौर पर वहीं पर रोजगार करने के दिया जाए। वहीं चंपावत के जिला अधिकारी विनीत तोवर ने एक मोबाइल नंबर पर FIR दर्ज कराया। दरअसल एक अनजान व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर से जिलाधिकारी विनीत तोवर के नाम से मैसेज कर अपने आप को DM बताकर लोगों से पैसे हड़पने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, बेसिकली घटना इस प्रकार से हुई है कि कोई व्यक्ति DM साहब के नाम से एक व्हाट्सएप से मैसेज भेज रहा है कि वो खुद को अपने आप को DM चंपावत बता रहा है तथा किसी के बीमार अपने परिजन के होने के नाम पे कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है। ये पूरी तरह से फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड व्यक्ति है। इसको लेके ध्यान में रखते हुए तत्काल इसमें थाना चंपावत में हमने FIR उसमें तुरंत दर्ज कर दी है। SOG को भी एक्टिवेट कर दिया इसको पकड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं दूसरे लोगों और अधिकारियों को भी इस संबंध में सचेत करना चाहूँगा, अगर इस तरह कोई मैसेज आते हैं या किसी अन्य के लिए भी अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो कृपया सावधान रहें कि पूरी तरह वेरीफाई करने के बाद ही उसमें कोई काम करें और इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। टीपी ये नहीं चल रहा है रिमोट। वहीं रुद्रपुर के शहर में न्यायालय परिसर में शूटर के आने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान न्यायालय परिसर में एक कार से पिस्टल बरामद किया था, जिसके बाद उसके कार और एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पिस्टल मिलने के बाद से पुलिस हरकत में आ गई है और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। SOG और पुलिस ने जिला न्यायालय में परिसर के 4 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। हमें आज सुबह एक सटीक इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध व्यक्तिगण और संदिग्ध लोग जो है कोर्ट के परिसर में कुछ गलत इरादे से आए हैं करके। उसी के तहत जो है उस इनपुट के आधार पर हमने काफ़ी सघन चेकिंग करते हुए कोर्ट परिसर में तत्काल जो है भारी एक स्केल पे लार्ज स्केल चेकिंग अभियान चलाया है और सघन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग जो है हमें हिरासत में लिए हैं। हमने उनसे अग्रिम पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ करने के बाद संपूर्ण कार्यवाही के बारे में आपको फ्यूचर में अवगत कराया जाएगा। वहीं विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहब धाम के लिए ऋषिकेश के BTC परिसर में पंजीकरण होना शुरू हो गया है। फिलहाल साधु संत और महात्मा बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा करा कर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ ही 4 धाम यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से टोल फ्री कर दिया गया है। तो अभी हमारे बाबा लोग जो हैं वो आ रहे हैं और बाबा लोग तो हमारे ज़्यादातर बद्री केदार जाते हैं और आधे हैं उनमें से जो लोग चारों धाम जाएंगे, तो जो जिस धाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी तो नहीं आया है। अभी डेली हमारे रोज़ के जो हैं 20-25 हो रहे हैं। वही बरेली गाड़ी की टक्कर हो जाने को लेकर हुए विवाद में BJP के नेता ने सिपाही के बेटे पर फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग में सिपाही का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शहर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने BJP नेता को हिरासत में ले लिया है। उनके पास से पुलिस ने फायरिंग करने वाली पिस्टल भी बरामद की गई है। वही पकड़े गए BJP नेता जिला उपाध्यक्ष महानगर के पद पर तैनात हैं। हमारा कल जो है दावत खाने जा रहा था शाम को, हमारे भाई हैं छोटे, उनके साले की शादी थी मणिनाथ में, तो और हमारा भांजा आया हुआ था तो वो भी साथ में दावत खाने जा रहे थे। चौपलापुर के करीब पहुँचे तभी ऊपर से जो है गाड़ी आई और वो बिना इंडिकेटर दिन मुड़ दी। इनके कुछ लगा होगा, ऐसी बात पर दोनों में थोड़ी जो है
वार्तालाप हुए वो उसी पर जो है उन्होंने तैस में आके एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने गोली चला दी। वहीं हरदोई में कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसान यूनियन ने नाराजगी जताई, साथ ही कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित मजिस्ट्रेट को दे दिया, जिसमें बिजली कटौती रोके जाने के लिए मांग के साथ साथ अन्य मांगों पर भी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। हुए हैं कि जनपद में बिजली की इतनी दिक्कत हो रही है, किसान इतना परेशान है, इतनी धूप इतनी गर्मी हो रही है लेकिन इतनी बिजली की कटौती हो रही है। नंबर दो, जनपद में आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका जो है कोई सहारा नहीं है, किसानों का इतना नुकसान हो रहा है, किसान बहुत परेशान है। एक हमारा मोबाइल में राष्ट्रीय पंचायत में गया था, सर्विलांस पे लगवाया जिसमें व्हाट्सएप जाते हुए हैं, लेकिन सर्विलांस पे जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो पैसे के लालच में हमारा मोबाइल नहीं। ऐसी 4-5 समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं। चलिए फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।